ओके सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेक्ट। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं हम अपने मोबाइल फ़ोन से तत्काल टिकट कंफर्म कैसे बुक कर सकते हैं। कुछ लोग तत्काल टिकट बुक करने के लिए IRCTC वेबसाइट यूज करते हैं, कुछ लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से बुक करते हैं। तो आज के वीडियो में हम अपने मोबाइल फ़ोन से IRCTC के वेबसाइट से तत्काल टिकट बुक करके दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर आपको कुछ भी फील नहीं करना है, आपको जो भी होगा ऑटोमेटिक फील होगा। तो चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फाइनली मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। इसके बाद सिंपल हमें करना क्या है, प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पे हमें सर्च बार में सर्च कर लेना है क्विक तत्काल। इसके बाद इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। कुछ टाइम पहले ये एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन अब फिर से क्विक तत्काल सॉफ्टवेयर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। इंस्टॉल कर लेने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बुक योर टिकट इन 3 इजी स्टेप। यहाँ से आप लोग 3 टिकट फ्री में भी बुक कर सकते हैं। इसके बाद जब आप 4 नंबर PNR बुक करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे इन सॉफ्टवेयर को बाय करना होगा। आप लोगों को करना क्या है, न्यू फॉर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद फॉर्म को आपको किस नाम से सेव करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे नाम टाइप कर देना है। तो मैंने यहाँ पे आनंद विहार टू मुजफ्फरपुर टाइप करके सबमिट कर देता हूँ। इसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, फर्स्ट वेबसाइट और सेकेंड नंबर पर रेल कनेक्ट। भी आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तत्काल की मदद से तो आप लोगों वेबसाइट से ही टिकट बुक करें। इसके बाद सिंपल करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों को यूजर नेम फिल करना है, तो मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ जर्नी फॉर्म स्टेशन सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर फॉर्म स्टेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद 2 स्टेशन सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर मुजफ्फरपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको ट्रेन नंबर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करना है, तो मैं डेट ऑफ जर्नी भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद क्लास सेलेक्ट करना है तो क्लास भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से आपको स्लीपर क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ट्रेन नंबर टाइप करना है, तो आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप पे लॉगिन करके ट्रेन नंबर पता कर सकते हैं किस ट्रेन में आपको टिकट बुक करना है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेन नंबर भी टाइप कर दिया हूँ। इसके बाद कोटा पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको देखना है तत्काल में बुक करना चाह रहे या फिर प्रीमियम तत्काल में बुक करना चाह रहे, तो ज़्यादातर तत्काल में ही टिकट बुक करता हूँ, तो मैं तत्काल सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद बोर्डिंग स्टेशन सेलेक्ट करना है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट वाले ऑप्शन को आपको ऑटोमेटिक उस पर क्लिक रहने देना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आपको पैसेंजर डिटेल फिल करना है। जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो एक साथ 4 पैसेंजर का नाम फिल कर सकते हैं, तो मैं फटाफट नाम फिल कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको एज फिल करना है, तो एज भी फिल कर देता हूँ। इसके बाद मेल फीमेल सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से आप मेल फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बर्थ सेलेक्ट करना है, तो इसके बाद बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें क्लिक करने हैं। वेज नॉन वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जब हम राजधानी में टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पे वेज नॉन वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो अभी तो फ़िलहाल में ऐसे राजधानी में भी वेज नॉन वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आता है, तो आपको इसे सेलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद सेकेंड नाम अगर ऐड करना है तो आप लोग प्लस के आइकन पर क्लिक करके यहाँ से आप लोग सेकेंड नाम भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसे हम बैक कर लेते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है, तो फर्स्ट लाइन में आपको जहाँ जाना है वहाँ का आपको एड्रेस देना है। सेकेंड लाइन भी फिल कर सकते हैं, थर्ड लाइन भी फिल कर सकते हैं, हमें नहीं फिल करेंगे। इसके बाद सिर्फ आपको पिन कोड डालना है, एरिया पिन कोड, तो मैं एरिया पिन कोड भी टाइप कर देता हूँ। इसके बाद सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, पोस्ट ऑफिस भी सेलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद नीचे की तरफ आना है, इसके बाद आपको यहाँ पर बुक ओनली इट कन्फर्म व्हाट आर अलाउ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे की तरफ आना है, इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करना है। मोबाइल नंबर टाइप मैं फटाफट कर देता हूँ। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद नीचे की तरफ आना है, आपको ये देखना है पेमेंट आपको कैसे करना है। तो जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो कोशिश कीजिए UPI या फिर Paytm से पेमेंट करने का। तो ज़्यादातर मैं जो यूज करता हूँ Paytm ही यूज करता हूँ, तो मैं यहाँ पर वॉलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे आपको देख सकते हो ऑप्शन मिल जाता है क्या चीज़ से पेमेंट करना चाह रहे थे, मैं Paytm वॉलेट सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे यूजर नेम टाइप करना है, जैसे कि आप यूजर नेम आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, तो मैं फटाफट मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ। इसके बाद नीचे की तरफ आना है, आपको यहाँ पे पासवर्ड फिल कर देना है। पासवर्ड फिल करने के बाद सिंपल आप यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको फॉर्म जो है आपको सेव हो जाएंगे। आपको तत्काल टिकट बुक कब करना है,
जब भी आपको टिकट बुक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा फॉर्म तो सेव हो चुका है। इसके बाद आपको बुक नाउ पे क्लिक करना है। जब भी आप तत्काल टिकट एसी बुक करेंगे या फिर स्लीपर बुक करेंगे तो आपको यहाँ पे 15 से 20 सेकेंड पहले बुक नाउ पे क्लिक करना है। जैसे बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ आपको यूजर नेम पासवर्ड ऑटोमेटिक फील देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे कैप्चर फील करना है। इसके बाद साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे आपको कब क्लिक करना है, यदि आप एसी टिकट बुक कर रहे हैं 11:03 पे साइन इन पे क्लिक करना है। यदि एसी टिकट बुक करते हैं तो 10:04-05 पे साइन इन पे क्लिक करना है। इसके बाद ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक वर्क करेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।